जय हिंद दोस्तों। बात करें अभी आप लोगों का ITBP के बारे में, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स के बारे में, जो ITBP कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट पर नया भर्ती आया हुआ है, ठीक है, उसी के बारे में बात करेंगे। इसके आप लोगों का जो ओपनिंग डेट है वो कितना है, क्लोजिंग डेट इसका क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और कितने पोस्ट पर वैकेंसी है, इसी के बारे में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने चलो, हम लोग वीडियो को शुरू कर देंगे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल पर आप लोग को इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलते रहता है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, यहाँ पर आप लोग नोटिस देख सकते हैं, ये भर्ती आज ही आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंदौर तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, ठीक है। यहाँ पर ये भर्ती आप लोग का जो है ड्राइवर का पोस्ट पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल ड्राइवर 2024, ठीक है। तो इसका जो ड्यूटी होता है आप लोग का, वो ड्राइवर है, मतलब ये गाड़ी चलाना होता है, और जो इसका ड्यूटी होता है दोस्तों आप लोग का इंडो तिब्बतन मतलब बॉर्डर पर मिलता है, इंडिया चाइना बॉर्डर पर आप लोग देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसका आप लोग अभी बात करेंगे। देखिए जो एप्लीकेशन है ये भर्ती है आप लोग का, ये ऑनलाइन है एप्लीकेशन, जो इसका मोड होगा वो आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा, ठीक है। और इसका जो हम लोग अभी पेमेंट का बात करेंगे, इसका जो बेसिक पे आप लोग का 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक इसका बेसिक पे है, सैलरी है, ठीक है। ये आप लोग का पेमेंट हो गया, बेसिक पे इसका इतना होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी में कितना, टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो वैकेंसी है ये कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट वैकेंसी है, ठीक है, ये ड्राइवर का पोस्ट है। और इसके लिए आप लोग टोटल वैकेंसी जो 545 मतलब 545 पोस्ट पर आप लोग का टोटल वैकेंसी देखने को मिला है इस बार, ठीक है। जो ITBP कांस्टेबल ड्राइवर का पोस्ट में जो भर्ती आप लोग का 545 मतलब वैकेंसी है, इसमें केवल मेल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। इसमें जो है इसमें आप लोग को फीमेल के लिए वैकेंसी नहीं है, ठीक है, केवल मेल के लिए वैकेंसी आप लोग को देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये केवल मेल के लिए है। टोटल जो पोस्ट होगा आप लोग का 545 है, 545। एंड उसके बाद जो इसमें केवल मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आप लोग का देख सकते हैं कि अनरिजर्व का जनरल का आप लोग का 209 पोस्ट है, 209। SC कैटेगरी का आप लोग का 77 पोस्ट है, ठीक है, 77 है। उसके बाद आप लोग का ST कैटेगरी का आप लोग का 40 पोस्ट है, 40। OBC का 164 है, एंड ELOS का 55 पोस्ट है, मतलब टोटल पोस्ट जो आप लोग का 545 है, ठीक है। इसमें ये पोस्ट आप लोग का हुआ इतना पदों पर वैकेंसी, 545 पदों पर वैकेंसी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे इंस्ट्रक्शन में, इसका जो वैकेंसी है आप लोग का यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा होता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होगा नहीं होगा, इस नोटिस में देखिए आप लोग क्लियर बताता है, जब भी जिस भी डिपार्टमेंट का वैकेंसी निकलता है इसमें आप लोग क्लियर बताता है कि दी वैकेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग दी वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज या डिक्रीज विदाउट एनी नोटिस, एनी चेंज इन दी नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी थ्रू ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट, इतना पे, ठीक है। मतलब वैकेंसी को कभी भी कोई भी रीजन अगर होता है तो उसके अनुसार वैकेंसी को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये बोर्ड डिसाइड करेगा, जो भी जैसे ITBP का बोर्ड है तो ITBP डिपार्टमेंट अपना डिसाइड करेगा कि वैकेंसी घटेगा बढ़ेगा। अब इस पे इसके बाद आप लोग 10% जो वैकेंसी रिजर्व है एक सर्विस मैन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो आप लोग देख सकते हैं ITBP रिजर्व दिस राइट टू मेक चेंजेस सिक्वेंस इंक्रूमेंट, या पर ITBP जो इसका प्रोसेस होगा उसको चेंज कर सकता है, नहीं तो नहीं भी कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके मतलब कि एज का कंडीशन कितना है, एज का क्राइटेरिया पर क्या क्या है, कितना एज आपका रहना चाहिए, जो एज है आप लोग का इस वैकेंसी के लिए ITBP कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, जो आप लोग का एज का है ड्राइवर के लिए वो आप लोग का 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में आप लोग का होना चाहिए, ठीक है। बिटवीन 21 एंड 27 ईयर्स मतलब 21 से 27 साल के बीच में आप लोग को होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, तो आप लोग केवल 10 पास होना चाहिए, अगर केवल मैट्रिकुलेशन क्लास 10th पास फ्रॉम एनी मतलब किसी भी बोर्ड से अगर केवल क्लास 10 पास है, केवल 10th पास है, तब इस फॉर्म का आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ कंडीशन लगाया कि आप लोग के पास मस्ट मतलब कि प्रोसेस वैलिड हाईवे व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब कि आप लोग के पास एक हाईवे ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। हाईवे मतलब कि ऐसे होता है कि जैसे कोई टू व्हीलर का एक होता है, मतलब कि थोड़ा सा सिंपल रहता है, तो इसमें आप लोग का हाई भी होता है, जैसे 4 व्हीलर का आप लोग का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग इसको लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। बाकी वैकेंसी आप लोग का ऑनलाइन मोड में है, ठीक है। ये ऑनलाइन वैकेंसी जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करिएगा आप लोग, तो कुछ भर्ती ऑफलाइन आता है, ये वैकेंसी आप लोग का ऑनलाइन है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का क्लास 10th पास होना चाहिए, आप लोग के पास मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आप लोग का जो एज है 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभी
इसका डेट का, ठीक है। तो वैकेंसी जो है आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट जो हो रहा है, ओपन हुआ है आप लोग का, ये 8/10/2024 है, मतलब 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ है। उसका जो लास्ट डेट है आप लोग का वो 6 नवंबर 2024 की उसका लास्ट डेट है, ठीक है। मतलब कि ये वैकेंसी आज से ही शुरू है, 8 अक्टूबर से शुरू हुआ है और इसका जो लास्ट डेट है आप लोग का 6 नवंबर तक है, ठीक है। तो जो लोग जो भी इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को आप लोग बिल्कुल अप्लाई करिएगा, अच्छा पोस्ट है, बढ़िया पोस्ट है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का कटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगा, कटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इसका भी बेसिक का बेसिक पे जैसे कब जो जीडी का वैकेंसी चल रहा है, इसका भी बेसिक पे एकदम सेम है, सेम पेमेंट इसका भी लगभग आता है, ठीक है। ये हो गया, और आप लोग का इच्छा होगा, आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।